फोर्स के साथ की बैठक, बैठक में 600 से ज्यादा डॉक्टर्स थे उपस्थित। फडणवीस के आरोपों का मेयर किशोरी पेडणेकर ने दिया जवाब, कहा मुंबई में कोरोना के आंकड़ों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं, सीएम ठाकरे गुमराह करने का काम नहीं करते। फडणवीस के आरोपों पर जयंत पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और मुंबई में कम हो रहे कोरोना के मामलों की तारीफ की है, अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री सही है या फडणवीस। मुंबई महानगरपालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मुंबई में कोरोना के आंकड़ों में छेड़छाड़ बंद करने के लिए कहा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा फडणवीस के आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब। महाराष्ट्र के 16 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन, वाशिम, यवतमाल, अमरावती, सांगली, सोलापुर, अकोला, सतारा, कोल्हापुर, लातूर, बीड, नांदेड़, वर्धा, सिंधुदुर्ग, बदलापुर, इंदापुर, बारामती में 15 मई तक लागू रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। वैक्सीनेशन में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, कोरोना का टीका लगवाने भिवंडी जा रहे हैं मुंबई के लोग, नतीजा स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है टीका। पालघर में 103 साल के बुजुर्ग ने कोविड 19 को दी मात, डीएम ने फूलों के साथ दी विदाई। महाराष्ट्र में म्यूक्रोमाइकोसिस के कम से कम 8 लोग की हुई मौत, ये लोग कोविड 19 को मात दे चुके थे लेकिन काले कवक की चपेट में आ गए, राज्य में ऐसे लगभग 200 मरीज एक्टिव। पुणे महानगर पालिका ने महाराष्ट्र सरकार पर पुणे के कोरोना के आंकड़े को सही से नहीं दिखाने का लगाया आरोप, महापौर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि शहर में कोरोना वायरस की स्थिति को गलत दिखाया जा रहा है, नगर पालिका हाईकोर्ट में दायर करेगी हलफनामा। मुंबई में प्रतिदिन कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 2403 नए मामले, वही 3375 लोग हुए ठीक। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 68 लोगों ने गवाई अपनी जान, वही एक्टिव मरीजों की संख्या 47,416 तक पहुंची। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ इलाके के एक गांव में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स से महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने का किया अनुरोध, कहा इस समय आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन, आवश्यक सुविधा नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने किया काम बंद आंदोलन। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने वैक्सीनेशन के लिए एक अलग ऐप की मांग की, कोविन ऐप को बताया गड़बड़ी। दादर भाजी मार्केट में भीड़ कम करने के लिए रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा फैमिली मॉल, प्रतिबंधों के बावजूद भारी भीड़ के चलते लिया गया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने विधायक निधि से दिया नागपुर में वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का दान। महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल ने कर्नाटक सरकार पर लगाया ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का आरोप। बस स्टॉप पे बस नहीं रुकने पर 4 युवकों ने किया बस पे पथराव, पुलिस के आने के बाद पुलिस पर भी बरसाए गए पत्थर, मौके से फरार आरोपी, गोवंडी पुलिस को आरोपी की तलाश। चीन का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B धरती पर गिरा, आज सुबह भारतीय महासागर के करीब क्रैश हुआ। मुंबई में कल रात 8 बजे से शुरू होगा 18 से 44 उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन, बीएमसी ने दी जानकारी। नीतीश राणा ने पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अच्छे काम को लेकर तारीफ करने वाले बयान पर कहा कि महाराष्ट्र के सीएम का भी केजरीवाल जैसा हाल हुआ है और पीएम के साथ बातचीत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन आए कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले, बीते 24 घंटों में आए कोरोना के 4,03,000 नए केस, वही 4,092 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 48,401 नए मामले आए सामने, 60,226 मरीज हुए ठीक, वही कोरोना से 572 लोगों ने गंवाई जान।